प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। झालावाड़ के दिव्यांग मनोदित पार्षद संजीव वर्मा ने कोटा विकास मॉडल की झालावाड़ शहर का विकास करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा है। संजीव वर्मा ने बताया कि कोटा में रिवर फ्रंट सिटी पार्क का ऐतिहासिक लोकार्पण कर यहाँ के ही नहीं देश विदेश के पर्यटकों, छात्रों और जनता के लिए विकास कार्य किया है। ठीक उसी प्रकार झालावाड़ के तालाबों, यहाँ के पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण, खेल संकुल, पार्क, उम्मीद क्लब पार्क जैसे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ कोटा की तरह विकास संभव है, जिससे यहाँ की जनता को रोजगार, पर्यटन की दृष्टि से काफी विकास संभव है। इसलिए झालावाड़ के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजकर यह मांग उठाई है। नमस्कार साथियों, आज हमने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें के अनुसार जिस प्रकार से कोटा का विकास पिछले 5 सालों में ऐतिहासिक विकास हुआ है, कोटा में अभी अभी रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का जो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री और शांति धारीवाल साहब के द्वारा किया गया है और ऐतिहासिक ये विकास मॉडल रहा है। हमने ज्ञापन में लिखा है कि कोटा का जो विकास मॉडल है ठीक उसी प्रकार से झालावाड़ का भी इस प्रकार से इस विकास मॉडल को अंदर शामिल किया जाए। झालावाड़ के अंदर काफ़ी यहाँ पर तालाब है, काफ़ी शानदार यहाँ पर पार्क की व्यवस्था है, पौराणिक मंदिर है, काफ़ी ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर इस प्रकार से ऐतिहासिक विकास यहाँ पर संभव है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन भेज कर ये कहा है कि यहाँ के जो तालाबों का सौंदर्यकरण हो, यहाँ के मंदिरों का सौंदर्यकरण हो, यहाँ के पार्कों का डेवलपमेंट हो, तो यहाँ पे यहाँ की जनता के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। यहाँ पर यहाँ के पढ़ने जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे डेवलपमेंट का अवसर होगा और रोजगार के साथ साथ यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसलिए मैंने झालावाड़ की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना की है कि कोटा विकास मॉडल की तरह झालावाड़ को भी विकास मॉडल में शामिल करें और इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।